कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि मास्क न लगाने वालों पर अब सख्ती की जा रही है। बहादुरगढ़ में नगर निगम ने टीम बनाकर मार्केट में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन्हीं आदेशों का पालन करने गई एक टीम पर एक ज्वेलर्स शॉप में हमला हो गया। पीड़ित कर्मचारियों की माने तो शॉप के मालिक और कर्मचारियों ने मास्क नहीं लगाया था, जिसकी वजह से जब वो चालान काटने लगे तो आरोपियों ने पहले तो रोका और फिर मारपीट की। आज यो साहब ने हमारे चलाने जो शहर में कोरोना के कारण चलाने काटने का ऑर्डर किए थे, आज हमें जब चलान काटने जेके ज्वेलर्स की शॉप पर गए तो उन्होंने चलान काटने से मना कर दिया। हमारे कर्मचारी का फिर उन्होंने फोन खींच ले लिया और कहने लगे आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और हमें जाते सोचते शब्द भी कहने लगे आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, और जैसे आप जब हमें हमारे पास ये साहब ने कहा कि आप वापस आ जाओ कमेटी में, और जब हम आने लगे तो फिर उनके जो मालिक है वो कहने लगे आप कमेटी में आके मिलते हैं आपसे। फिर उसके लड़के ने हमारे कर्मचारी को हाथ भी उठाया और फिर मैं उसको बचाने के लिए करने लग गया, मेरे भी दो तीन थप्पड़ मारे उन्होंने, और साथ में फिर ईट उठाकर भी हमें गाली देने लग गया। माँ बहन की गाली दे रहे थे। तो क्या मांग, सुरक्षा की मांग कर रहे हो? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे साथ पुलिस के साथ में जाए ताकि हमें हमारे साथ आगे ऐसा कोई कुछ नहीं कर सके। कल क्या करोगे आप? जी, हम पुलिस की सुरक्षा करते हैं साथ में जाने के लिए। हाँ जी, कल से हम ये धरने पे बैठ रहे हैं ताकि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हो सके। क्या मांग क्या है आपकी? कि उन जिन्होंने हमारे साथ कहीं उनको सबक सिखाया जाए कि आगे वो किसी सरकारी कर्मचारी के साथ था अब दरबार नहीं कर सके। ठीक है, हमारे यू साहब ने आदेश दिए थे भाई शहर में कोरोना ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए बिना जिन्होंने मास्क नहीं लगाया उनके खिलाफ़ चलान काट रहे हैं। तो हम शहर में हमने 8-10 चलान काटे, तो हम जेके ज्वेलर्स पे पहुँचे। जैसे ही जेके ज्वेलर्स पे पहुँचे तो उन्होंने कहा हमारा चलान मत काटना और ये बात ठीक नहीं होगी हमारा। मैंने कहा आपने ना तो आपके 3-4 बंदों ने लगा रखा, ना मालिक ने खुद लगा रखा था जिन्होंने अपना नाम जगदीश अलावा दिया था। तो फिर रजत ने उस पर नाम भरना शुरू किया, पर चीफ जस्टिस का हाथ रोक लिया। फिर इन्होंने ये हमने ये साहब से बात की, बोले तुम ऑफिस में आ जाओ, हम FIR यहाँ से बदतमीजी किए थे तुम्हारे साथ, हम यहाँ से पुलिस कार्रवाई कर लें। तो हम बात निकलने लगे तो राजकुमार जेई संजीव और इनसे फिर मारपीट इन्होंने शुरू कर। यहाँ भी बाहर भी झगड़ा हुआ आने के बाद भी बाहर का। तो पीड़ित कर्मचारियों का आरोप है कि दुकान के मालिक जगदीश एलाबादी और उनके बेटे ने चालान काटने पर मारपीट की है और अब बिना सुरक्षा के उन्होंने चालान काटने से भी इनकार कर दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि COVID-19 के चलते काफी नगर परिषद सक्रिय है और चालान डेली बेसिस पर काटे जाते हैं। जैसे ही बाजार के अंदर हमारे नगर परिषद के कर्मचारी चालान काटने के लिए विदाउट दो मास्क लोग घूमते हैं उनके चालान काटने के लिए गए, तो जेके ज्वेलर वाले ने और उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने हमारे कर्मचारियों पर ताबड़तोड़ हमले किए और जिसकी हमने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए थाना प्रबंधक को लिख दिया गया है और हमारे जो उच्च अधिकारी उनके संज्ञान में भी ला दिया गया। हमने आज भी लिखा था थाना प्रबंधक को भी हमारे को सुरक्षा कर्मचारी दिए जाए ताकि हम अपना काम सुचारू रूप से चला सके, और आगे भी कल भी हम थाना प्रबंधक से बात करेंगे। हमने SDM साहब से भी बात करी थी इस विषय में कि हमारे को ये पुलिस कांस्टेबल दिलवाए जाएं, तो दिए नहीं गए लेकिन हमारे को मिले नहीं। हम दो बार वहाँ सिटी थाने में पहुंचे पर हमारे को नहीं मिले। बहरहाल ज्वेलर शॉप के मालिक के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी गई है और सुरक्षा देने के लिए भी प्रशासन से अपील की गई है ताकि आगे से इस तरह की घटना न हो। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी TV।